अयोध्या के भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजमान हो गए हैं। पीएम मोदी की मौजूदगी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है। अब आज से आम लोगों के लिए भव्य राम मंदिर के द्वार खुल गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक 23 जनवरी से आम श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकेंगे। राम मंदिर के पट आम लोगों के लिए दिन में दो बार खुलेंगे। इसका समय भी निर्धारित कर दिया गया है। श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर में दर्शन का जो समय निर्धारित किया गया है उसके मुताबिक सुबह 7 बजे से लेकर 11:30 बजे तक दर्शन किए जा सकते हैं। इसके बाद दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खुले रहेंगे। दोपहर में करीब 2 घंटे भोग व विश्राम के लिए मंदिर बंद रहेगा। वहीं दिन में राम मंदिर में 3 बार आरती होगी, जिसमें 2 आरतियों में श्रद्धालु हिस्सा ले सकेंगे। मंदिर समिति के मुताबिक आरती का समय जो निर्धारित किया गया है उसके मुताबिक पहली आरती सुबह 6:30 बजे होगी, जिसे श्रृंगार आरती कहा जाता है। दूसरी आरती दोपहर 12 बजे, जिसे भोग आरती कहा जाता है। इसके बाद शाम 7:30 बजे संध्या आरती होगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में दीपावली जैसा उत्सव दिखा। अयोध्या से लौटने के बाद पीएम मोदी ने भी पीएम आवास पर राम ज्योति जलाकर दीपोत्सव मनाया। पीएम मोदी ने आवास पर रामलला की तस्वीर के सामने ज्योति जलाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद आवास में दीयों को जलाकर दीपोत्सव मनाया। पीएम आवास से जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद खूबसूरत है। पीएम मोदी की घर में दीपोत्सव मनाने की अपील पर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने भी अपने घरों में दीपोत्सव मनाया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपने आवास पर राम ज्योति जलाकर दीपोत्सव मनाया और प्राण प्रतिष्ठा पर देशवासियों को बधाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपने आवास पर अपने परिवार के साथ राम ज्योति जलाकर दीपोत्सव मनाया। परिवार के साथ उन्होंने पूजा अर्चना भी की। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अलग अंदाज में दीपोत्सव मनाया। धामी ने परिवार के साथ फुलझड़ी जलाई और प्रभु राम के नाम पर घर को दीयों से रोशन कर दिया। गुजरात के सीएम भूपेंद्र सिंह पटेल ने भी परिवार के साथ राम ज्योति जलाकर दीपोत्सव मनाया। भूपेंद्र पटेल ने घर को फूलों से भी सजा रखा था। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में उत्सव का माहौल है। अयोध्या से लेकर देश के कोने कोने में लोगों ने दिए जलाए और खुशियां मनाई। राजधानी दिल्ली हो या फिर जम्मू कश्मीर, चेन्नई हो या फिर छत्तीसगढ़, हर तरफ रोशनी और फुलझड़ियों की लड़ियां सजी हुई नजर आई। जहां अयोध्या में सरयू के तट से लेकर रामलला के द्वार तक दीयों की कतार सजी रही, तो वहीं हरिद्वार की हर की पैड़ी भी दीपोत्सव से जगमगा उठी। पूरा देश प्रभु राम के रंग में रंगा है। घर घर दिवाली मनाई गई, लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद आसमान भी आतिशबाजी की रोशनी से नहा गया। इन तस्वीरों को देखिए, अयोध्या में जमकर आतिशबाजी की गई, तो वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग ने पटाखे फोड़े। बिहार हो या फिर गुजरात, हर कोई राम के रंग में रंगा नजर आया। धूम धड़ाका ऐसा कि हर तरफ पटाखों की गूंज सुनाई देती रही। देर रात तक लोगों ने दिवाली जैसा पर्व मनाते हुए राम धुन के साथ खुशियां मनाई। सतरंगी छटा बिखेरते हुए पटाखों से देर रात तक आसमान जगमगाता रहा। बच्चों के साथ बड़ों ने भी आतिशबाजी का जमकर लुत्फ उठाया। इस बीच प्रभु श्री राम के नारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई तो मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में प्रभु रामलला की शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से लेकर तमाम कलाकार शामिल हुए। तस्वीरें फिलहाल लेकिन मुंबई की दिखाएंगे आपको, जहां ढोल ताशे
बीच सांस्कृतिक गानों के गीतों के बीच जो है वो रामलला के आगमन का स्वागत जो है वो बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। आप देख पाएंगे कि रामलला की पालकी जो है वो यहाँ निकल रही है, जिसमें श्री लक्ष्मण, माता सीता और हनुमंत जो है वो एक साथ मौजूद हैं। और आप देखेंगे दूर तक किस तरह से लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ बड़े पैमाने पर आपको नजर आएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में थी, लेकिन जश्न और उत्सव पूरे देश में मन रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से दिल्ली लौटते ही प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लाने का ऐलान कर दिया। इस योजना के तहत केंद्र सरकार देश भर में 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दी है। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा, सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा ये संकल्प और प्रशस्त हुआ कि भारत वासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम हो। इस योजना के तहत सरकार आर्थिक रूप के कमजोर लोगों के घरों पर रूफटॉप सोलर इंस्टॉल करेगी, लेकिन इसके फायदे क्या हैं ये भी आपको बताते हैं। सोलर पैनल सिस्टम की मदद से घर में ही बिजली प्रोड्यूस की जा सकती है। पावर ग्रिड से मिलने वाली बिजली की तुलना में ये सस्ती है। सोलर पैनल के लिए अलग से जगह की जरूरत नहीं है, छत पर लगा सकते हैं। सोलर पैनल के लिए सरकार सब्सिडी देती है, जिसे खरीदना आसान होता है। सोलर पैनल की लाइफ 25 साल होती है, मरम्मत या मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। ये ऐसी तकनीक है जो सूर्य की किरणों से ऊर्जा सोख कर बिजली प्रोड्यूस करती है। 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने में 45 से 85 हजार रुपए तक का खर्च आता है। ये बिजली वही काम करती है जो पावर ग्रिड से आए बिजली काम करती है। सूर्योदय योजना के तहत हर घर को सूरज की रोशनी से घर को रोशन करने का मिशन रखा गया है। कवरेज आपको दिखा रहे, खबर आपको दिखाएं, उससे पहले तस्वीर आप देखिए। राम मंदिर अब खुल चुका है श्रद्धालुओं के लिए और सुबह सुबह बड़ी संख्या में मंदिर राम भक्त पहुंच रहे हैं। राम मंदिर खुलने और बंद होने का जो समय है वो भी अब निर्धारित हो चुका है और उसी को देखते हुए जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो दिन भर बढ़ती जा रही है। सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक दर्शन हो सकेंगे राम मंदिर में और दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक रामलला के दर्शन हो पाएंगे। लेकिन श्रद्धालुओं की या भारी भीड़ देखिए, रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और लगातार वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सुबह से लेकर अब तक, कैसे बड़ी तादाद में राम भक्तों की भीड़ राम मंदिर पहुंचने लगी है। जय जय श्री राम के नारों के बीच भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि कई कई वक्त तो ये भीड़ बेकाबू भी होती नजर आई। राम भक्ति ऐसी कि देखिए यहाँ पर काफी ज्यादा जो है दिक्कतें वो भी देखने को मिल गई लोगों को, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा जो अचानक से हो गई है। बहरहाल राम मंदिर में दर्शन करने का वक्त निर्धारित किया गया है सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक, दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक ही आप दर्शन कर पाएंगे। तो उसी हिसाब से अपना शेड्यूल भी आप बनाइएगा, क्योंकि ये वक्त है उससे पहले बाद जो गर्भगृह प्रांगण है उनके पट बंद कर दिए जाते हैं। कर्नाटक के रामनगर में स्थित रामदेवरा बेट्टा मंदिर है। इस मंदिर को अयोध्या की तरह ही भव्य बनाने का बीजेपी ने ब्लूप्रिंट बनाया था, लेकिन सरकार बदलते ही लोगों की आशा पर पानी फिर गया। अयोध्या की तरह भव्य और दिव्य मंदिर बनाने का सपना टूटता जा रहा है, उम्मीदें खत्म होती जा रही है। कांग्रेस सरकार से हमारा कोई उम्मीद नहीं है उन लोगों से। हमारा दुर्भाग्य है कि आज का जो कांग्रेस सरकार है सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार नेतृत्व का, ये लोग इसको कैंसिल करके इधर कुछ डेवलपमेंट के लिए कुछ भी पैसे रिलीज नहीं कर रहा है। सरकार बदली तो सब कुछ बदल गया, राम भक्तों की उम्मीदों पर फिर से पानी फिर गया। मैं सरकार के रवैये को देखते हुए यहाँ के लोगों को कोई खासी उम्मीदें सरकार से दिखाई नहीं दे रही और यही कारण है कि ये मायूस भक्त अब सवाल यही उठा रहे हैं कि आखिर वो दिन कब आएगा जब दक्षिण की अयोध्या भी उसी तर्ज पर तैयार की जाएगी।
बताया जा रहा है कि ये वही राम मंदिर है जहां भगवान श्री राम ने वनवास के दिनों में सीता और लक्ष्मण के साथ वन में एक वर्ष बिताया था। लेकिन अयोध्या की तरह ये मंदिर कब भव्य और दिव्य बनेगा, हर कोई कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ रहा है।